देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी, मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। लॉकडाउन के दौरान रायपुर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के पहले ही दिन जिला प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश की पालन कराने के लिए रायपुर कलेक्टर और रायपुर SSP ने आज सुबह 11:30 बजे ITMS जयस्तंभ चौक से फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा लोग अपने घर पर बने रहे, लोगों से यह अपील की गई, वह कोरोना संक्रमण को देखते हुए अपने आप को बचाने के लिए घर में सुरक्षित रहें। जो लोग अनावश्यक रूप से बाहर निकल रहे हैं उन पर कार्यवाही की जा रही है, उन पर और ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। एक घर के किचन में मिला 26 कोबरा सांप, परिवार वालों ने देखा तो रह गए दंग। जिला में खरमोरा इलाके में एक घर के किचन में एक साथ 26 कोबरा सांप मिले। परिजनों की सूचना पर रेप्टाइल केयर एंड रेस्क्यूअर सोसाइटी ने सभी 26 सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू किया है। रेप्टाइल केयर एंड रेस्क्यूअर टीम ने सभी कोबरा सांपों को सुरक्षित पकड़ लिया। सांपों को जंगल में छोड़ा जाएगा। 9 वर्षीय बच्चे की जंगल में मिली लाश, जाँच में जुटी पुलिस। जिले के गंडई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ढाबा के जंगल में एक बच्चे का छत शव मिला है। बालक का शव टुकड़ों में मिला है, बच्चे की पहचान हो गई है। परिजनों ने 16 जुलाई को बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजन लगातार बच्चे को ढूंढ रहे थे, अब बच्चे का टुकड़ों में शव मिला है। पुलिस इस हैरतअंगेज वारदात की तफ्तीश में जुट गई है। सीएम हाउस के सामने आत्महत्या करने का प्रयास करने वाले युवक की मौत। सीएम हाउस के सामने आत्महत्या की कोशिश करने वाले युवक की कल देर रात मौत हो गई। इसकी पुष्टि कालरा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील कालरा ने की है। उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन कल रात उसने दम तोड़ दिया। बता दें कि धमतरी जिले के ग्राम तेलिन सत्ती निवासी हरदेव सिन्हा 29 जून की दोपहर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने के लिए सिविल लाइन स्थित उनके आवास पर पहुंचा था। उसने बाहर खड़े सुरक्षा बल और अधिकारियों से मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने की बात कही थी। कोरोना से पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड संक्रमितों की संख्या पहुंची 12 लाख के करीब। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में बुधवार को COVID-19 के 37,724 नए केस सामने आए हैं, जिससे देश में कोरोना केसों की संख्या 11,92,915 तक पहुंच गई है। वहीं कोरोना से पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 48,472 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक कुल 7,53,049 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 648 मरीजों की मौत हुई है और अब तक 28,732 मरीजों की मौत हो चुकी है। युवक करता रहा महिला पर चाकू से वार, भीड़ बनाती रही वीडियो। होशंगाबाद जिले में दिन दहाड़े बीच सड़क पर एक पुरुष ने महिला पर चाकू से वार कर दिया। कोतवाली थाने के सिकलीकर मोहल्ले के पास एक पुरुष और महिला का किसी बात पर विवाद चल रहा था। अचानक पुरुष ने जेब में रखा चाकू निकाल लिया और महिला पर चाकू से वार कर दिया। महिला चिल्लाती रही पर लोग वीडियो बनाते रहे। महिला पर हो रहे इस वार के दौरान गाड़ियों से निकलते रहे लोग, लेकिन किसी ने नहीं की महिला की मदद। महिला को मारते मारते थक गए आरोपी के खिलाफ एक युवक सामने आया और उसने किसी तरह घायल महिला को उससे छुड़वाया। खून में सनी गंभीर रूप से घायल महिला को पुलिस ने जिला अस्पताल में एडमिट कराया है। पत्रकार विक्रम जोशी की इलाज के दौरान मौत। गाजियाबाद के विजयनगर में बदमाशों की फायरिंग से पत्रकार विक्रम जोशी की मौत हो गई। बुधवार तड़के उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सोमवार रात बदमाशों ने सरेआम उनके सिर में गोली मारी थी। हमले के वक्त उनकी दो बेटियां भी उनके साथ थी। इसके बाद उन्हें यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन गंभीर रूप से घायल विक्रम को बचाया नहीं जा सका। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं एक चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में कुछ अज्ञात बदमाशों ने पत्रकार विक्रम जोशी पर हमला किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर दुकान पर ईडी का छापा। पहली बार गहलोत परिवार पर कसा शिकंजा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर और दुकान पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि कथित उर्वरक घोटाले में ईडी ने अशोक गहलोत के फार्म हाउस पर छापेमारी की है। अग्रसेन गहलोत खाद और बीज का कारोबार करते हैं और उन पर इसी मामले में घोटाले का आरोप है। अग्रसेन गहलोत अनुपम कृषि कंपनी के मालिक है और कस्टम विभाग ने इस पर मुकदमा चलाया था। इसके अलावा उनकी कंपनी पर 7 करोड़ रुपयों की पेनल्टी लगाई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, शरद पवार समेत 44 नए राज्यसभा सदस्यों ने ली शपथ।
भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत आज 44 राज्यसभा सांसदों ने शपथ ली। नवनिर्वाचित सांसदों ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की उपस्थिति में शपथ ली। ऐसा पहली बार हुआ जब संसद में कोई सत्र नहीं आयोजित हुआ और नए सदस्यों ने उच्च सदन कक्ष में शपथ ली। हंसल मेहता और अनुभव सिन्हा ने बॉलीवुड को कहा अलविदा। फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा, जो कि सोशल मीडिया पर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, हाल ही में एक ट्वीट किया है। अनुभव सिन्हा ने ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने बॉलीवुड से रिजाइन कर दिया है। अनुभव सिन्हा ने एक ट्वीट कर कहा, बस बहुत हुआ, मैं बॉलीवुड से इस्तीफा देता हूँ, इसका जो भी मतलब होता है हो। इतना ही नहीं, अनुभव सिन्हा ने अपने ट्विटर हैंडल के नाम के साथ नॉट बॉलीवुड भी जोड़ दिया है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।